धनु राशि वालों को अभी जो इस समय करना चाहिए, दो उपाय हम आपको बताते हैं, उसको आप लोग जरूर करिए। उससे आप लोगों को काफी ज्यादा लाभ होगा, काफी ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा। कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी धनु राशि के लोग हैं उनको नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि धनु राशि वालों के लिए 2024 का साल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति धनु राशि वालों के लिए क्या रहेगी, जो मुख्य मुख्य ग्रह हैं, तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज रहेगी कि धनु राशि वालों के लग्नेश, लग्न के उनके जो स्वामी हैं गुरुदेव, वो उनके पांचवें स्थान में रहेंगे और ये इनके लिए मई तक, जब तक कि गुरुदेव पांचवें स्थान में रहेंगे तब तक काफी इनके लिए अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद शनि देव जो रहेंगे उनके तीसरे स्थान में रहेंगे। तीसरे स्थान के शनि देव भी जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, लेकिन अभी हम लोग आपको डिटेल में हम लोग समझेंगे कि क्या है मामला पूरा। फिर उसके बाद तीसरी जो चीज है कि राहु देव कहाँ रहेंगे, तो राहु देव जो रहेंगे उनके चौथे स्थान में रहेंगे। तो चौथे स्थान में राहु देव की स्थिति जो है पूरे साल बनी रहेगी। अब यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि लग्नेश जो है उनके पांचवें स्थान में रहेंगे, तो उससे क्या है, ये लग्नेश जो है गुरुदेव 2023 में ही धनु राशि वालों के पांचवें स्थान में आ गए थे, लेकिन उसके बाद क्या था कि राहु भी वहां पे थे, तो उसकी वजह से, राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन होने की वजह से वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी सी समस्याएं थी, जिसको कि हम लोग चांडाल योग भी कहते हैं, राहु गुरु का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है उसको। तो उसकी वजह से जो गुरु का मुख्य असर था, मेन असर था, वहां पे उनको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अक्टूबर में राहु देव जैसे ही 30 अक्टूबर को वहां से निकल गए तो इनको धनु राशि वालों के लिए ये जो मामला हुआ काफी अच्छा हो गया। और ये जो चीजें हैं मई तक 2024 तक चलेंगी भी, तो उसमें लग्नेश का पांचवें स्थान में जो बैठने का मुख्य मामला होता है, तो उसमें क्या है, घर गृहस्थी में अच्छा मामला होना, शुभ काम होना, बच्चों की शादी होना, ये जो सारी जो चीजें थी अच्छे तरीके से धनु राशि वालों ने की। और मई तक 2024 तक धनु राशि वालों के साथ ये सब चीजें होंगी, घर गृहस्थी में अपने नई व्यवस्थाएं बनाना, बच्चों के शादी, बच्चों का एडमिशन, बच्चों के लिए कुछ प्रगति, इन सारी जो चीजें हैं ये सारी चीजें जो हैं होती रहेंगी धनु राशि वालों को 2000 मई तक, 2024 मई तक। इसी के साथ साथ मित्रों, जो लोग बच्चों की अपेक्षा में हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमको बच्चों की प्राप्ति हो, उन लोगों के लिए भी ये जो समय है अभी काफी अच्छा चल रहा है। आने वाला 2024 भी मई तक जो है उनको बच्चों वगैरह की, अगर इस तरह की वो है या उनके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, तो ये जो सारी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनकी पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ पांचवें स्थान में बैठ के गुरुदेव आर्थिक रूप से भी इन लोगों को व्यवस्थाएं जो हैं बनाए रखे। कारण उसका ये है कि लग्नेश भी है, और उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि वो अपने मित्र की राशि, मेष राशि में पड़े हुए हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है धनु राशि वालों को, वो दिक्कत है राहु देव उनके चौथे स्थान में बैठ गए। तो राहु देव चौथे स्थान में बैठ गए तो उससे जो है राहु देव की वजह से धनु राशि वालों को समस्याएं जो है ऑलरेडी आ रही हैं पहले से। तो और ये जो समस्याएं हैं इनकी अभी चलती भी रहेंगी 2024 तक। तो उसमें समस्याओं में मुख्य समस्या क्या होगी धनु राशि वालों को, राहु देव और शनि देव की वजह से। शनि देव तीसरे स्थान में है, तीसरा स्थान बहुत अच्छा होता है तीसरे स्थान में शनि देव का बैठना, लेकिन शनि देव यहाँ पे बैठ के, तीसरे स्थान में बैठ के जो दृष्टि डाल रहे हैं
उनकी जो पहली दृष्टि है वो कहाँ जा रही है, उनकी धनु राशि वालों के पांचवें स्थान में, और पांचवें स्थान में गुरुदेव ऑलरेडी बैठे हुए हैं। वहां पे जो राशि है मेष राशि है, और मेष राशि जो होती है शनि की नीच राशि होती है, तो इसकी वजह से धनु राशि वालों को कुछ चीजों में दिक्कतें भी आ रही हैं। दूसरी जो चीज है, तीसरे स्थान में बैठ गए हैं तो भाग्य स्थान पे भी शनिदेव पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, और इसी तरह से राहु देव की जो दृष्टि है वो आठवें स्थान में भी है और दसवें स्थान में भी है, और इसी के साथ साथ राहु देव की एक दृष्टि जो है वो बारहवें स्थान में भी है। तो अब इन सारी जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उससे रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो धनु राशि के लोग हैं उनको गुरुदेव की वजह से सहूलियत तो मिल गई, थोड़ा एक कुशन तो मिल गया, लेकिन क्या होगा कि उनको अपने घर में कुछ न कुछ झंझटें बनी रहेंगी। माँ के स्वास्थ्य से दिक्कत हो सकती है, माँ के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। एक और चीज होगी धनु राशि वालों को कि पैतृक संपत्ति में, पिता की संपत्ति में किसी तरह का विवाद भी खड़ा हो सकता है। यहां तक विवाद खड़ा हो सकता है कि उससे मन मुटाव भी हो सकता है। यहां तक काफी सारे धनु राशि के इस तरह के लोग भी होंगे जिनका कि माँ से मनमुटाव हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि संपत्ति के, पैतृक संपत्ति की वजह से पत्नी से अपने, क्योंकि पत्नी का जो विचार होगा वो आपके पैतृक संपत्ति के लिए दूसरा हो, आप तो थोड़ा कंप्रोमाइज करना चाहें वहां पे, पत्नी का एक नहीं, हमको पूरा हक मिलना चाहिए, इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं सामान्यतः परिवारों में, तो ये स्थितियां भी आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए बन सकती है। तो वहां पे अपनी माँ के साथ और पत्नी के साथ एडजस्टमेंट में भी धनु राशि वालों को थोड़ा सा दिक्कत होगी। माँ के साथ, परिवार के साथ, कुटुंब के साथ और पत्नी के साथ एडजस्टमेंट बनाने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, जो सामान्यतः भारतीय पुरुषों को होती है, तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन इस समय जो है थोड़ी सी आपको दिक्कत जो है पत्नी और माँ में सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ साथ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, जो कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं उन लोगों के लिए मई तक का समय जो रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन उसी के साथ साथ क्या है कि समय बढ़िया रहेगा, पढ़ाई वगैरह भी करेंगे लेकिन आलस भी उनको लगा रहेगा। तो यहाँ पे जितनी भी वो पढ़ाई करेंगे आलस छोड़ के उससे कहीं बेहतर रिजल्ट जो है उनको मिलेगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि ज्यादातर रिजल्ट जो, ज्यादातर एग्जाम जो है वो मई तक हो जाते हैं। जिन लोगों की शादी ब्याह नहीं हुई है उन लोगों की शादी ब्याह इन सारी चीजों के लिए भी यह जो साल है, यह जो 2024 का टाइम है, यह काफी अच्छा है, उन लोगों की भी शादी ब्याह ये सारी चीजें हो जाएंगी। आर्थिक रूप से मित्रों धनु राशि वालों के लिए जो ये समय रहेगा वो काफी अच्छा रहना चाहिए। मित्रों हम आपको बता देते हैं कि जिन लोगों के बच्चे बड़े हैं उनको अपने बच्चों से भी काफी आर्थिक समर्थन मिल सकता है। जो लोग व्यवसाय वाले हैं उन लोगों के लिए व्यवसाय का जो मामला रहेगा अभी बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं कि जो आपके सीनियर्स हैं उन लोगों का कहना आपको मानना पड़ेगा, उन लोगों से किसी तरह का विवाद करना आपके लिए हित में नहीं होगा। प्राइवेट जो नौकरी में भी जो लोग हैं वहां पे भी आपको अपने सीनियर की जो है बात माननी चाहिए, अगर उनसे अगर आप विवाद करेंगे तो फिर वो आपके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। जो लोग इस समय किसी भी प्रकार से नौकरी में स्विच करना चाहते हैं, काफी लोग होंगे जो उनका विचार बनेगा कि हम नौकरी जो है अपनी बदल दें, दूसरी नौकरी में चले जाएं, इस तरह के उनको ऑफर भी मिलेंगे। तो मित्रों जब भी अगर इस तरह का कोई आपको ऑफर मिलता है तो थोड़ा सा सोच विचार करके आपको उसमें अपना वो करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि बाद में जो है आपको किसी तरह का अफसोस हो, किसी तरह की आप रिग्रेट हो। जिन लोगों को नौकरी नहीं है अभी उन लोगों को भी नौकरी मिलने का पूरा पूरा 2024 में योग बनता है। आप लोगों का पैसा भी काफी जो है खर्च होगा, काफी खर्च होगा पैसा,
तो पैसा जो अभी आप लोगों का खर्च हो रहा है, जो आप कर रहे हैं, तो वो शुभ काम में होगा या आपके लग्जरी में होगा, मतलब कि आपको सुख देने वाली जो चीजें हैं उन सारी चीजों में आपका पैसा खर्च होगा। बहुत सारे लोग इस दौरान जो है अपनी गाड़ी वगैरह चेंज करेंगे, बदलेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं इस समय हो सकता है कि मकान वगैरह या इस तरह की कोई जो चीजें हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। कुछ लोगों का बच्चों की शादी में पैसा खर्च हो सकता है, कुछ लोगों का पैसा जो है कहीं घूमने फिरने जाने में 2024 में खर्च हो जाएगा। धनु राशि वालों को अभी जो इस समय करना चाहिए, दो उपाय हम आपको बताते हैं, उसको आप लोग जरूर करिए। उससे आप लोगों को काफी ज्यादा लाभ होगा, काफी ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा। कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी धनु राशि के लोग हैं उनको किसी भी रूप में गुरुदेव की आराधना करनी चाहिए, मतलब विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। आप विष्णु भगवान की आराधना करने में बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे कि आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। आप अगर व्रत करने में समर्थ नहीं है तो गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा आप कर सकते हैं। आप वहां भी अगर पूजा भी नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार के दिन आप कम से कम एक काम ये करिए कि आप मंदिर जो है गुरुवार के दिन हो आइए। तो उससे मंदिर अगर आप गुरुवार के दिन जाते हैं तो वहां पे भी आपको लाभ होगा। लेकिन मंदिर आप जाइए तो ये नहीं कि गए और बस चले। हम बार बार इस बात को कहते हैं सबसे, जाइए तो कम से कम 20 मिनट 25 मिनट आप मंदिर के अंदर जाके बैठिए। आप वहां कुछ भी मत करिए, बस आप बैठ जाइए वहां पे। तो उससे क्या है कि जो वाइब्रेशंस होती हैं मंदिर की वो आपको हील कर देंगी, आपकी जो निगेटिव एनर्जी है उसको कम कर देंगी। जो आप शनि की वजह से और राहु की वजह से जो आप परेशान हैं उस चीजों को वो न्यूट्रलाइज करेंगी, वो उस चीज को न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगी। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज करना चाहिए। ये काम करने से एक चीज और आपको फायदा होगा इस उपाय को करने से मित्रों, कि आपको धनु राशि वालों को अभी एक्सीडेंट वगैरह या चोट चपेट या सडनली कोई एकाएक कोई बीमारी होने का भी खतरा बना हुआ है। किसी भी तरीके के इस तरह की दिक्कतें जो है राहु देव की वजह से, शनि देव की वजह से और थोड़ा मोड़ा गुरुदेव की वजह से भी आने की पूरी पूरी आशंका है। तो ये जो एकाएक कोई बीमारी डिटेक्ट हो जाना, एकाएक किसी तरह की कोई एक्सीडेंट हो जाना, ये जो सारी चीजें हैं इसमें भी ये जो हमने आपको उपाय बताया मंदिर वाला, ये अगर आप करते रहेंगे तो इससे आपको काफी लाभ होगा। जो राहु का असर है वो भी कम होगा निगेटिव, शनि देव का जो निगेटिव असर है वो भी कम होगा, प्लस गुरुदेव का जो असर है पॉजिटिविटी जो है वो आपके लिए बढ़ जाएगी और इस समय आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस क्योंकि शनि देव की पूर्ण दृष्टि जो है गुरुदेव पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे एक चीज हम आपको और बता देते हैं कि जो लोग अभी राजनीति के क्षेत्र में हैं, धनु राशि है उनकी और राजनीति के क्षेत्र में हैं, उन लोगों के लिए ये जो समय रहेगा अच्छा रहेगा। बहुत रिजल्ट जो रहेंगे उनके अच्छे आएंगे। लेकिन यहाँ पे भी उन लोगों को एक चीज का विशेष करके ध्यान देना है कि उनका करीबी आदमी, बहुत कोई करीबी आदमी वो किसी भी तरीके का उनके साथ छल कर सकता है, उनके साथ किसी तरह का धोखा कर सकता है, जिससे कि उनका राजनीतिक करियर प्रभावित हो। इसलिए अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो बहुत ही सावधान रहिए, क्योंकि ये जो समय है राजनीति में आपको लाभ तो दे देगा, लाभ तो देने की हैसियत रहती है इस समय इस कुंडली की। लेकिन वहां पे फिर वही मामला आपका आ जाता है कि कोई आपका करीबी जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देगा। तो इसलिए विचारशील होकर आप जो भी कार्यक्रम करिए विचारशील होकर करिए, सोच समझ के करिए और इस चीज का पक्का वो करके चलिए कि किसी भी तरीके का आपके साथ छल नहीं होने वाला है, किसी तरह का आपके साथ धोखा नहीं होने वाला है।
इस चीज के लिए पहले से तैयारी करके चलिए। आप लोगों को भी हमने जो ये बताया गुरुदेव का उपाय मंदिर जाने वाला, ये कर लेना। अगर आप लोग करेंगे आप लोगों को भी विशेष करके फायदा होगा। मित्रों इस समय जो लोग हैं, जो लोग तकनीकी क्षेत्र में हैं, तकनीकी का क्षेत्र में किसी भी तरीके के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कोई भी टेक्निकल जो एजुकेटेड लोग हैं, या कोई भी टेक्निकल जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ये जो समय रहेगा, ये जो पीरियड रहेगा, विशेष करके अच्छा रहेगा। 2024 का जो साल रहेगा वो अच्छा रहेगा। ये लोग जो हैं इस समय में, इस पीरियड में, हमने जो आपको फिर बता रहे वो उपाय बताया, ये उपाय अगर आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये जो 2024 का साल है काफी अच्छा जाने वाला है। यहाँ पे एक चीज हम आपको फिर बता देते हैं, आपके पर्सनल रिलेशन में, व्यक्तिगत रिलेशन की जहां तक बात होती है, कि जो लोग किसी भी तरह के प्यार वार में पड़े हुए हैं, इस तरह का जिनका मामला चल रहा है, उन लोगों के लिए भी, जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उन लोगों के लिए भी, कि आपका पत्नी से जो संबंध है या आपका जो भी फ्रेंडशिप वगैरह है जिसके साथ, वहाँ पे आपका जो रिलेशन है उसको आप ये ध्यान दीजिएगा कि वो आपके परिवार की वजह से उस रिलेशन में फर्क ना आने पाए। यहाँ पे दोनों चीजें देखने वाली हैं, कि ये भी हो सकता है कि जो लड़की है उसके परिवार से भी आपके रिलेशन कि जो भी आपके रिश्ते हैं उस पे असर पड़ सकता है, उस पे जो है कोई किसी तरह की दिक्कत हो सकती है, या आपके परिवार वालों की तरफ से भी दिक्कत हो सकती है। इसी तरह जो मैरिड लोग हैं उनको ससुराल वालों की तरफ से भी कोई इस तरह की बात हो सकती है जिससे उनका वैवाहिक जीवन प्रभावित हो। इसी तरीके से अपने घर से भी कुछ इस तरह की बात हो सकती है परिवारजनों से, जिससे उनका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन प्रभावित हो। फिर से मैं आपको बता रहा है कि स्वास्थ्य के लिए विशेष करके धनु राशि वालों को थोड़ा सा अपना ध्यान देना चाहिए, उन लोगों को स्वास्थ्य के लिए विशेष करके ध्यान देना चाहिए। विशेष करके धनु राशि वालों को पेट के अपने लिए विशेष करके ध्यान देना चाहिए, कि पेट से संबंधित समस्याएं किसी भी तरीके की हो सकता है, कि अगर किसकी पहले से है तो नहीं, तो नई अगर पुरानी है तो वो फिर से उभर सकती है, नई भी आने के पूरे चांस है। चोट चपेट हमने आपको बताया कि एक्सीडेंट का भी पूरा पूरा जो है इस समय आपको भय जो है वो बना रहेगा, तो इस दोनों चीजों के लिए भी हमने आपको बता दिया कि एक उपाय जो है आप एक ये करते रहिए। यहाँ पे एक और चीज हम आपको बता देते हैं कि अगर जो भी धनु राशि के जो लोग हैं वो अपने घर में जो थोड़ा सा शांति चाहते हैं, तो पत्नी को अपने जो है गुरुवार के दिन किसी भी तरीके का पीले रंग का कोई भी सौंदर्य प्रसाधन का सामान, पीले रंग का सौंदर्य प्रसाधन का सामान मतलब पीले रंग के आप कपड़े दे सकते हैं, या पीले रंग का कोई भी जो सौंदर्य प्रसाधन स्त्रियां यूज करती हैं उस तरह का सामान अपनी पत्नी को आप गिफ्ट करेंगे, तो उससे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और उसके साथ साथ आपका जो पारिवारिक जीवन है वो भी अच्छा बना रहेगा। धनु राशि के जो व्यक्ति हैं अगर किसी भी प्रकार का लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो स्थिति, लोन लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का पुराना जो उनका लोन है उसको चुकाना चाहते हैं, तो ये जो भी सारी स्थितियां हैं इनकी मई से जो है काफी मेच्योर होना शुरू हो जाएंगी, शुरू तो हो जाएंगी इनकी फरवरी के बाद से ही, लेकिन ये जो आने वाला 2024 का साल है इसमें आपको लोन वगैरह जो है चुकाने का भी अवसर मिल जाएगा और नया लोन लेने के लिए भी ये जो साल रहेगा काफी अच्छा रहेगा। मित्रों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।